ममता जी, एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है जिसका बहुत विवाद बढ़ गया है और विरोध भी हो रहा है। क्या पूरा मामला है और क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता किसी तरीके का विरोध करना चाहिए, या मैं गलत हूँ? मैं कभी गलत थी नहीं, ना हूं ना रहूंगी कभी। एक पोस्टर जो है मैं ली हूँ हाथ में, और ये पोस्टर में मैं ही हूं, और यहाँ लिखा है मैं काशी हूं, और ऊपर लिखा है सावन के इस महापर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो ये पोस्टर पे क्या विवाद है और क्यों किया जा रहा है? और बहुत कुछ लोग ही हैं जो कि चार पांच लोग अपना पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं मेरे माध्यम से, कि उनको कोई तो काम है नहीं, कहते खाली दिमाग शैतान का, दिन भर कोई काम नहीं तो यही करते रहे चले, कैसे मीडिया कैसे पब्लिसिटी हासिल कर ले, इनके तो फॉलोवर बहुत है। पहली बात अज्ञानता की बात करते हैं, 5 लाख इनके फॉलोवर, मेरे तो 32 लाख फॉलोवर हैं। मैं मेरे आईडी पे जाइए ना, 32 लाख मेरे फॉलोवर, मेरे तो कई भाई फैन फॉलोइंग जब जिसकी बढ़ती है तो बहुत सारी आईडी भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं, उनको भी लाइक व्यू आने लगते हैं। तो क्या मेरा एक ही काम है कि मैं दिन भर अपने सोशल साइट को देखती रहूं और दिन भर सबको कमेंट और जवाब दूं? और काम नहीं है मेरे पास, और मैं एज ए एक्टर मैं कोई भी जैसा मुझे रोल मिलेगा मैं वो काम करूंगी, क्योंकि मैं उस रोल में उस अदा एक अदाकारा क्या होती है, वो रजिस्टर्ड होती है। आज उसे मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बनेगी, हिंदू बनना है हिंदू बनेगी, सभी धर्मों का वो पालन करते हुए अपने एक्ट में उतर जाएगी। तो मैंने क्या क्या इसमें ऐसा गलती कर दिया? इसमें बाबा का मैंने पूजा ही किया है, और मेरे भाई लोग चैनल पर चलवा रहे हैं कि शिवलिंग के साथ हो रहा है बहुत अपमान, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथ में मॉडल ममता लेकर दारू का शराब बैठ रही हैं। मैं दारू का शराब लूंगी? बाबा मेरे आराध्य है, मैं दारू का शराब लूंगी? दारू शराब सिगरेट ये सब क्या है, कहाँ की बातें ये सब आ रही हैं? वो एक अलग पार्ट है, जैसा है। मैं तो पीती तो नहीं भाई, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, यही मेरे घर है, आप कहीं से भी कुछ भी करिए, मैं ये सब नहीं। जब आप एक्टिंग लाइन में होते हैं आप सब कुछ करते हैं। मैं एज एक्टर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं दारू भी ले सकती हूँ उस एक्टिंग में, मैं सिगरेट भी ले सकती हूँ एक्टिंग में, लेकिन इसमें मैंने कहाँ लिया है? और मुझे क्यों ये जलील किया जा रहा है कि अर्धनग्न वस्त्र में ये रोड पर खड़ी होकर नाचती है? इस नचनिया को तो कमाठी पूरा सोना गाछी का रास्ता दिखाओ, बहुत दूर ना जाए तो इसे मढ़ुआ डी कोठे पे बैठाओ। अब काशी असुरक्षित महसूस कर रही है। तो क्या इनके खिलाफ आपको एक्शन भी लेंगी? बिल्कुल लेंगे। मैं सुबह तक तो नहीं कोई एक्शन का बारे में बात करी, क्योंकि मैं अपने आप को समय देना चाहती थी। मैं बहुत भावनात्मक हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बातों में मैं बहुत फंस जाती हूँ, तो मैं अपने आप को समय दी, इसलिए मैं आपको थोड़ा लेट बुलाई आप सब लोगों को। लेकिन अब मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि मेरी गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है, और बनारस स्वर्ण कला केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और हमें जब तक हूँ वहां फोन कल शाम को आता है और कहा जाता है कि ममता राय आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, उनकी सारी फोटो रोड पर निकालिए, फाड़िए, फेंकिए, और इनको ब्रांड एम्बेसडर से हटा दीजिए। क्यों भाई, क्यों मेरे रोजी रोटी पे प्रहार कर रहे हैं? जब मैं शूट करने जा रही हूँ तो आप मेरा सेटअप खराब करवा रहे हैं, लड़के भेज के अलग अलग लड़कों से यूट्यूब पे धमकी दिलवा रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं प्लीज इनके बारे में राय दीजिए, मेरे भाई मुझे सपोर्ट करिए। ममता राय की क्या मांग है? ममता राय की मांग है सुरक्षा, पहले तो सुरक्षा। जब मैं अब मुझे कहीं ना कहीं मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ इस आदमी के जरिए, ऐसा लग रहा है कि मैं किस कभी भी कोई भी दुर्घटना कर सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर जब किसी से नफरत की भावनाएं आ जाए, और नफरत एक ऐसी आतंकवादी सोच है ना, वो किसी को सुधार नहीं सकता, ना किसी दवा से वो सुधर सकता है। नफरत ही आतंकवादी है और कोई चीज आतंकवादी नहीं है। वो ये मानसिकता बना लिया है, संगठन बनाया, समूह बनाया, उस समूह के जरिए ये हमको टारगेट किया। मैं चाहती हूँ, मुझे जैसे मैं काम करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सरकार से, करती हूँ शासन प्रशासन से, करती हूँ मुझे सुरक्षा दी जाए और इस आदमी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरी यही मांग है।